हेलो जय श्री राम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैगमेंट्स। और दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दिए। तो आज के हम टॉपिक्स देखते हैं, हम किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ फ्रैगमेंट, ठीक है। और हमारा दूसरा टॉपिक है व्हेन फ्रैगमेंट जॉइन द एंड्रॉयड स्टूडियो। और हमारा तीसरा टॉपिक है फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल। और हमारा चौथा टॉपिक है कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रैगमेंट्स। तो हम सबसे पहले व्हाट इज़ फ्रैगमेंट से शुरू करते हैं। तो फ्रैगमेंट क्या होता है? फ्रैगमेंट एक हिस्सा होता है जो कि एक्टिविटी के ऊपर एक इंटरफेरेंस लेता है। मतलब एक एक्टिविटी के अंदर हम एक फ्रैगमेंट को यूज़ कर सकते हैं, हम मल्टीपल फ्रैगमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम मल्टीपल एक्टिविटी यूज़ करेंगे तो एप्लीकेशन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा और वो थोड़ी लेट रिस्पॉन्स करेगी। और किसी भी डेवलपर के लिए ये अच्छा नहीं होता कि वो ज़्यादा MB की एप्लीकेशन यूज़ करे जब तक कि उसमें ज़्यादा काम ना हो। तो इसीलिए हम फ्रैगमेंट का यूज़ करते हैं। तो फ्रैगमेंट का यूज़ हम एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट के अंदर जाने के लिए भी करते हैं, फ्रैगमेंट से एक्टिविटी के अंदर भी जाने के लिए करते हैं। वो हम आगे जाके देखेंगे कि हम फ्रैगमेंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। और कई बार हम एक फ्रैगमेंट को किसी और एक्टिविटी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम एक एक्टिविटी लेते हैं, ठीक है, और उस एक्टिविटी के अंदर हम एक फ्रैगमेंट लेते हैं, लेकिन हम किसी और दूसरे एक्टिविटी के अंदर भी उस फ्रैगमेंट को कॉल करवा सकते हैं। हम दूसरा टॉपिक देखते हैं कि व्हेन फ्रैगमेंट जॉइन द एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर फ्रैगमेंट आया था 3.0 के अंदर, हनीबी एपीआई 11। जब एंड्रॉइड 3.0 आया था ना, जिसका नाम हनीबी था और उसका एपीआई लेवल 11 था, तब फ्रैगमेंट आया था। और ऐसा नहीं था कि हम उससे पहले फ्रैगमेंट को यूज नहीं करते थे। हम उससे पहले फ्रैगमेंट को यूज करते थे कंपैटिबिलिटी लाइब्रेरीज के थ्रू। हम कंपैटिबिलिटी लाइब्रेरीज के थ्रू पहले फ्रैगमेंट को कॉल करते थे। और फ्रैगमेंट की एक अपनी लाइफ साइकिल होती है, ये सीधी एक्टिविटी लाइफ साइकिल से जुड़ी हुई होती है। मतलब कि फ्रैगमेंट की जो लाइफ साइकिल होती है ना, वो एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के अंदर ही काम करती है। जो लाइफ साइकिल होगी एक्टिविटी की, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिविटी मैंने एक पुरानी वीडियो बना रखी है, उसको ऊपर आई बटन के थ्रू मैं दिखा दूंगा कि वो कहां पर है, ठीक है। आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, एक्टिविटी लाइफ साइकिल को। अब मैं बताता हूं फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल का क्या कनेक्शन है एक्टिविटी लाइफ साइकिल के। क्योंकि फ्रैगमेंट एक एक्टिविटी के अंदर बनती है, तो फ्रैगमेंट की जो लाइफ साइकिल है वो इंटरलिंक होती है एक्टिविटी की लाइफ साइकिल से। जो फंक्शन एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अंदर होगा उसी से रिलेटेड हमको फंक्शन जो है फ्रैगमेंट का करना पड़ेगा, फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल का, ठीक है। अगर कोई एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है या पॉज होती है तो फ्रैगमेंट भी डिस्ट्रॉय और पॉज हो जाएगी। लेकिन फ्रैगमेंट जो है वो मॉड्यूलर और रीयूजेबल होती है। मॉड्यूलर का मतलब होता है बड़ी या छोटी। फ्रैगमेंट का साइज हम बड़ा भी कर सकते हैं, फ्रैगमेंट का साइज हम छोटा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्रैगमेंट मॉड्यूलर और रीयूजेबल भी हो सकती है। कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होती है फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले हमने इसके अंदर फ्रैगमेंट को ऐड करा, ठीक है। एक एक्टिविटी के अंदर हमने फ्रैगमेंट को ऐड करा, एक्टिविटी को हमने क्या करा, फिर हमने फ्रैगमेंट को एक्टिविटी के साथ अटैच करा। ऑन अटैच मेथड को कॉल करके हमने फ्रैगमेंट को एक्टिविटी के साथ अटैच करा, यानी। और हमने अटैच के अंदर क्या करते हैं, हम फ्रैगमेंट के अंदर जो भी चीज़ को यूज़ करते हैं ना, जैसे हमने उसके अंदर इमेज व्यू करा, वो करा, वो सब हमको इसके अंदर अटैच करेंगे। फिर क्या होगा, फिर फ्रैगमेंट क्रिएट होगी। फिर फ्रैगमेंट को क्या होगा, ऑन क्रिएट व्यू खुलेगा और फिर एक्टिविटी क्रिएट होगी और उसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट होगी, फिर एक्टिविटी रिज्यूम होगी, ठीक है। ये मैं जब आगे आपको एग्जांपल में बताऊंगा, जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं इसको आगे आके आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज ऑन क्रिएट। तो ऑन क्रिएट के अंदर क्या है, ऑन क्रिएट के अंदर बताया गया है कि सिस्टम इसे जब कॉल करता है, जब हमें एक्टिविटी में या फ्रैगमेंट को बनाना होता है, ठीक है। जब हम एक्टिविटी के अंदर फ्रैगमेंट को बनाएंगे तो ये ऑन क्रिएट का मेथड कॉल करेगा, ठीक है। इस मेथड को कॉल करने के बाद हम इस मेथड से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट और यूजफुल कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम उसके अंदर इमेज भी यूज़ करेंगे या टेक्स्ट भी यूज़ करेंगे या कोई भी हम लेआउट यूज़ करेंगे, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि हम उस कंपोनेंट को बचा के भी रख सकते हैं, जबकि हमारा फ्रैगमेंट पॉज या स्टॉप होगा। तो अगर हम स्टॉप करने के बाद उसको रिज्यूम करेंगे ना, मतलब डिस्ट्रॉय से पहले जो स्टॉप होता है ना, अगर हमने एप्लीकेशन को पॉज करा या स्टॉप करा, तो हमारा जो फ्रैगमेंट के अंदर कंपोनेंट है वो बचा हुआ होगा जब तक कि हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। हमने जो लास्ट पेज खोला हुआ होगा ना, तो हम उस पेज के अंदर पहुंच जाएंगे अगर हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तो हमारा पेज वहां से ही रिज्यूम होगा। अब हम देखते हैं, हम देखेंगे ऑन क्रिएट व्यू।
ऑन क्रिएट व्यू के अंदर क्या है, सिस्टम इसे जब कॉल करता है जब हम इस फ्रेगमेंट के अंदर यूजर इंटरफेस बनाते हैं। पहले हम एक्टिविटी के अंदर जब फ्रेगमेंट को बनाते हैं तो ऑन क्रिएट मेथड यूज होता है। जब हम फ्रेगमेंट के अंदर कोई यूजर इंटरफेस बनाते हैं यानी कि कोई यूआई को डिजाइन करते हैं ना ऑन क्रिएट व्यू के अंदर किसी फ्रेगमेंट के अंदर, तो ऑन क्रिएट व्यू ऑन होता है। ठीक है, यूजर इंटरफेस वो होता है जो यूजर को दिखाई देता है, जैसे कि उसके अंदर कोई भी व्यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वो यूजर इंटरफेस होगा। जो इस फ्रेगमेंट की रूट होती है, फ्रेगमेंट में हम नल रिटर्न करवा सकते हैं, हम ऑन क्रिएट व्यू के अंदर जो फ्रेगमेंट की रूट के अंदर नल भी रिटर्न करवा सकते हैं अगर हमको उसके अंदर कुछ शो नहीं करवाना है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑन पॉज मेथड। ऑन पॉज मेथड क्या होता है, सिस्टम इसे तब कॉल करता है जब सिस्टम को लगता है कि ऊपर की यूजर इस फ्रेगमेंट को चेंज कर चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम ऐप से बाहर आ गए। ऑन पॉज का मतलब ये होता है जैसे कि हम सपोज करो हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, व्हाट्सएप को चलाते चलाते हमको इंस्टाग्राम पे कोई नोटिफिकेशन आ गया तो हम उस इंस्टाग्राम के ऊपर जा सकते हैं ना, तो हम जब उस इंस्टाग्राम के ऊपर जाके उसको चेक करेंगे और वापस हम व्हाट्सएप के ऊपर आएंगे तो वो कंडीशन जो मतलब इंस्टाग्राम पे जाने के बाद और व्हाट्सएप को छोड़ने के बाद और इंस्टाग्राम के जाने के बाद में जो बीच का टाइम होगा ना वो ऑन पॉज कंडीशन में होगा व्हाट्सएप। ठीक है, लेकिन अगर हम जब वापस आएंगे ना तो हम उसी कंडीशन पे उसको पाएंगे। ठीक है, तो वो होता है ऑन पॉज मेथड। और अगर हम ऐप को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हम एप्लीकेशन से बाहर चले जाएंगे, फिर हम ऑन पॉज कंडीशन में नहीं आएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे हम व्हाट्सएप खोला और चैट्स वाले फ्रेगमेंट से स्टेटस वाले फ्रेगमेंट्स में आ गए तो चैट्स वाला फ्रेगमेंट पॉज में चला जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्रेगमेंट की एक्टिविटी। ऑन रिज्यूम के बाद क्या होगा, ऑन रिज्यूम के बाद हमारी कंडीशन आ जाएगी फ्रेगमेंट इज एक्टिव। फ्रेगमेंट को एक्टिव होने के बाद हमारी एप्लीकेशन कुछ भी वर्क कर सकती है। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन कुछ भी वर्क करेगी और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन को हम वापस से भी चला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी और एप्लीकेशन के ऊपर भी जा सकते हैं और हम इस एप्लीकेशन को रन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑन पॉज। ऑन पॉज में क्या होगा, ऑन पॉज में हमारी एप्लीकेशन पॉज हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हम इस एप्लीकेशन से व्हाट्सएप से अगर हम इंस्टाग्राम के ऊपर जाएंगे तो हम इसके ऊपर जिस भी कंडीशन में होंगे ना, जैसे हम अगर इसमें चैट देख रहे होंगे या हम इस पर स्टेटस देख रहे होंगे, किसी को मैसेज कर रहे होंगे ना, तो हम उस कंडीशन से इंस्टाग्राम पे ऊपर जाने के बाद तो ये वाली कंडीशन जो है ये पॉज कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी पॉज। लेकिन जब हम इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के बाद जब हम उसको वापस से खोलेंगे तो ये पॉज से ऑन रिज्यूम पे आ जाएगी। ठीक है, फिर ये आ जाएगी रिज्यूम पे। ऑन स्टॉप पे क्या होगा, जब हम इस एप्लीकेशन को बंद कर देंगे। हमने जैसा कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं ना तो किसी सब मोबाइल के अंदर नीचे यहाँ पे टूल बार होता है जिसमें एक बैक का ऑप्शन होता है, एक होम का ऑप्शन होता है। ठीक है, जब हम होम वाला बटन को टैप कर देंगे ना तो क्या होगा, वो ऑन स्टॉप कंडीशन में चला जाएगा, होम पेज पे आ जाएंगे हम व्हाट्सएप से बाहर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो गई, एप्लीकेशन बाद में डिस्ट्रॉय होएगी। फिर हमको क्या लगेगा, फिर हमको दिखेगा ऑन डिस्ट्रॉय व्यू। ऑन डिस्ट्रॉय व्यू का मतलब ये नहीं कि ऑन डिस्ट्रॉय हो गई, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू का मतलब है कि कुछ टाइम हमारे पास बचा हुआ होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई एप्लीकेशन सुबह को खोली भी होती है, अगर हम उसको 5 मिनट बाद वापस जाके खोलेंगे तो वो ऑन डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। इस कंडीशन को कहते हैं ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, मतलब 5 मिनट के लिए ये वाली एप्लीकेशन ऑन डिस्ट्रॉय व्यू के अंदर है। ऑन डिस्ट्रॉय तब होती है जब एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, यानी कि हमने उसको रिमूव कर दिया। जैसे इस वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद, लॉन्ग प्रेस करने के बाद वो इस तरीके की स्क्रीन खुलती है ना, जब हम इसको अप स्वाइप कर देते हैं तो एप्लीकेशन हट जाती है। जो एप्लीकेशन हट जाती है ना तो वो कंडीशन होती है ऑन डिस्ट्रॉय। और ऑन डिस्ट्रॉय व्यू वाली कंडीशन होती है ऑन डिस्ट्रॉय व्यू जब हमारी कंडीशन में एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय होने वाली होती है कुछ समय के बाद। ठीक है, लेकिन ऑन डिटैच तब होता है जब हम उस एप्लीकेशन से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। और ऑन डिटैच के बाद क्या होता है, फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय, मतलब वो फ्रेगमेंट बंद हो गई। अब हम अगर उस फ्रेगमेंट को चलाएंगे तो हमको फिर ऑन क्रिएट व्यू के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि सबसे ऊपर जाना पड़ेगा। सबसे ऊपर जाने के बाद फिर हम वहाँ से शुरू से शुरू एप्लीकेशन, यानी कि फिर जब हम उसको खोलेंगे एप्लीकेशन को, तो मतलब अगर हम व्हाट्सएप को दोबारा खोलेंगे फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय होने के बाद, एप्लीकेशन या तो पासकोड मांगेगी, या जैसे सब पासवर्ड लगाते हैं तो फेस मांगते हैं, फेस स्कैन या फिर थंबप्रिंट, वो ऐसे मांग के फिर शुरू से शुरू होगी ऑन डिस्ट्रॉय होने के बाद, जब फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन जब वो पॉज में होगी या स्टॉप में होगी तो वहीं से रिज्यूम हो जाएगी वापस से। लेकिन जब वो ऑन डिस्ट्रॉय के बाद, वो डिटैच होने के बाद जब फ्रेगमेंट डिटैच हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फिर वो यहाँ से शुरू होगा ऑन क्रिएट व्यू से, और फिर वो सबसे शुरू से शुरू करेंगे। ये था फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल। अब हम देखते हैं, जैसे कि अब हम मैं समझा देता हूँ कि फ्रेगमेंट एक्टिविटी के ऊपर फ्रेगमेंट काम कैसे करता है। जैसे कि ये हमारी मेन एक्टिविटी है, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक फ्रेगमेंट 1 लिया
और एक फ्रेगमेंट टू लिया, हमारे पास एक फ्रेगमेंट वन आ गया और एक फ्रेगमेंट टू आ गया। अब हम इसको इस एप्लीकेशन के इस मेन एक्टिविटी के ऊपर रखेंगे, ठीक है। मतलब हम इस मेन एक्टिविटी के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे फ्रैग वन आ जाएगा और यहाँ पे फ्रेगमेंट टू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि ये देखिए, ये फ्रेगमेंट वन, ये देखिए यहाँ पे फ्रेगमेंट वन आ गया और यहाँ पे फ्रेगमेंट टू आ गया। ऐसे ही होता है, हम इसको हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं और इसको वर्टिकल भी ले सकते हैं, ठीक है। और हम इसके अंदर और मल्टीपल फ्रेगमेंट भी ले सकते हैं, यानी कि हम इसको भी यहाँ पे एक फ्रेगमेंट ले लेंगे। यहाँ पे हमने फ्रेगमेंट वन लिया, यहाँ फ्रेगमेंट टू लिया, यहाँ हमने फ्रेगमेंट थ्री लिया, यहाँ हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट फोर ले लिया। हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, वो तो मैंने दो दो का करके दिखाया। हम इसमें मल्टीपल फ्रेगमेंट ले सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं कि इसी के अंदर हम हॉरिजॉन्टल भी ले लें। इसे यहाँ पे फ्रेगमेंट कुछ हिस्से में हम वर्टिकल रखें, कुछ हिस्से में हम हॉरिजॉन्टल रखें, तो वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके से फ्रेगमेंट को दिखाना है एप्लीकेशन के ऊपर। एक्टिविटी के ऊपर काम करता है फ्रेगमेंट, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल के अंदर होता है। हम चाहें तो इसमें एक और यहाँ पे फ्रेगमेंट ले सकते हैं, इसको भी कम करके यहाँ पे भी एक और फ्रेगमेंट ले सकते हैं। हम चाहें तो इसके अंदर भी वर्टिकल फ्रेगमेंट ले सकते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हमारी मर्जी, हम जहाँ मर्जी लें, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के दिखाया था, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, कि फ्रेगमेंट इस तरीके से काम करता है। देखो ये देखिए, पीछे ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी थी, एक्टिविटी के ऊपर हमने फ्रेगमेंट को रखा हुआ था। ये जब मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए हॉरिजॉन्टल के अंदर भी, ये देखिए, ये पीछे एक्टिविटी है और ये हमने एक्टिविटी के ऊपर फ्रेगमेंट को ले रखा है। तो ये हमको क्या, इसका मतलब फ़ायदा ये होता है कि हमको अगर हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ को यूज़ करेंगे, अगर हम कहीं पे भी मल्टीपल एक्टिविटीज़ को यूज़ करेंगे, तो हमारी स्पेस ज़्यादा लेगा, यानी कि हमारी ज़्यादा एमबी जाएगी उसके अंदर। यूज़ मैक्सिमम एमबी, मतलब हमारी एप्लीकेशन का साइज़ और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम जितनी एक्टिविटी लेंगे उतना साइज़ बढ़ेगा, लेकिन अगर हम एक्टिविटी के ऊपर फ्रेगमेंट लेंगे तो हमारा साइज़, हमारी एप्लीकेशन का साइज़ कम रहेगा और मल्टीपल पेजेस उस पर काम कर सकेंगे। लेकिन अगर हम एक्टिविटी को एक्टिविटी से ज्वाइन करेंगे, और इसी एक काम किस तरीके से करता है, जैसे हमारे पास ये दो फ्रेगमेंट है, एक ये और एक ये दो फ्रेगमेंट है ना, तो ये क्या करेंगे, हमने इसको एक एक्टिविटी से अटैच करा। ये देखिए, ये एक एक्टिविटी के ऊपर ये दो फ्रेगमेंट अटैच हैं, ठीक है। ये एक एक्टिविटी के ऊपर दो फ्रेगमेंट अटैच हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी दो फ्रेगमेंट को होस्ट कर रही है, हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। जिसमें जो फर्स्ट एक्टिविटी है, हम उसके अंदर, जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा ना कोडिंग के साथ, तो मैं क्या करूंगा, इस फ्रेगमेंट के अंदर मैं टेक्स्ट लेके दिखाऊंगा आपको। इसके अंदर होगा टेक्स्ट, और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट के अंदर हमने लिस्ट बनाई, और लिस्ट के अंदर ये पहला, ये दूसरा होगा ना, तो जैसे मैंने, जब मैं फर्स्ट लिस्ट के ऊपर टैप करूंगा ना, तो दूसरे फ्रेगमेंट के अंदर इसकी डिटेल्स आएंगी, ठीक है। जब मैं फर्स्ट इसके ऊपर टैप करूंगा, तो इसमें इसकी डिटेल्स दिखाई जाएगी, और जब मैं सेकंड पे करूंगा, तो सेकंड वाले की डिटेल्स दिखाई जाएगी। तो ये किस तरह से होगा, जैसे मैंने इस पे, जैसे मैंने इस लिस्ट के इंडेक्स पे मैंने टैप करा, मतलब इसके फर्स्ट वाले इंडेक्स पे मैं टैप करूंगा, तो वो एक्टिविटी को बताएगा कि इसने मैंने फर्स्ट पे अटैच कराया, तो फ्रेगमेंट टू को बोलो कि वो मेरा डिटेल्स दिखाई दे। तो फिर क्या करेगा, एक्टिविटी फ्रेगमेंट टू को बताएगा कि इसने इसकी डिटेल्स मांगी है। तो फिर मतलब इसके अंदर क्या होगा कि दो फ्रेगमेंट एक्टिविटी से इंटरलिंक होगा, जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाएगी। तो फ्रेगमेंट्स के अंदर यही होता है कि मतलब एक एक्टिविटी के ऊपर हम मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को लिंक करवा सकते हैं, और एक्टिविटी इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करती है। फ्रेगमेंट वन की बात को फ्रेगमेंट टू तक पहुँचाने के लिए हमको एक्टिविटी की मदद चाहिए, ये डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद मेरे 1K सब्सक्राइबर करवाने के लिए। जय हिंद दोस्तों।